नमस्ते। मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन और आप्रवासी घाट ट्रस्ट वन द्वारा प्रस्तुत विरासत कार्यक्रम में आप सबको के स्वागत बा। आज हमने आपके सबसे मनपसंद चाय पर कार्यक्रम करब जा और जैसे जाने ला मॉरिशस के वाशेगी के चाय के खेती और एकर उत्पादन सबसे मशहूर है। आप हमेशा से वाशेगी के चाय ही पीते आल हवा, कहे कि मॉरिशस के सबसे पहला टी एस्टेट वाशेगी ही है जहाँ पर चाय के खेती होवेला, चाय के पैदावार होवेला। और चाय एगो ऐसन धरोहर है जोन दुनिया भर में पसंद करल जाला और एकर इतिहास बहुत गहरा है और चाय ही उ सबसे जस्ती पिए जाए होला लाभवासों है इ दुनिया भर में और सबसे ज़्यादा पसंद करे जाए होला। तो आज देखब जा वाशेगी के जो चाह के खेती है ओकर उत्पादन कैसे होवेला और आज वाशेगी में एगो मीज़े भी बा जहाँ पर वाशेगी के चाय के खेती ओकर उत्पादन पर आप जस्ती जानकारी पाइबा एकर इतिहास के बारे में जानबा। तो चली जा देखी जा यहाँ पर वाशेगी के ओकर चाय के पैदावार कैसे होवेला। विरासत के आज के हमने के जोन अतिथि हवन जोन मेहमान हवन वो एगो विशेष व्यक्ति हवन वाशेगी टी एस्टेट से। आप यहाँ के एगो गेस्ट रिलेशंस ऑफिसर हवा लेकिन एकर से आगे आप वाशेगी टी एस्टेट के बचपन से जानेला, आपके बचपन हीं पर बीतल बा और 46 साल से आप वाशेगी टी एस्टेट के सेवा में लगल हवा। और आप हवा श्री आज़ाद रोजा जी। नमस्ते। आप वाशेगी टी एस्टेट में बचपन से काम करेला तो ये जो जगह है वाशेगी टी एस्टेट यहाँ पर बचपन तोहर बीतल तोहर पूरा कैरियर बीतल ये जगह पर आपके का बोले के बा। Alors pour commencer, bienvenue à Boischerie et pour ma Wembinziali, pour la dépise, pour l'enfance. Alors, on trouve beaucoup d'évolution. Alors, on peut travailler dans des îles aussi, nos quartiers historiques. Azad ji, hamni ke bolat hawan ki ye jo tea estate hai, yahan par u log ke jo karkhana ba, jo lizin ba, wo yahan par sthapit ba 1892 se 1892 se. Aur tab se yahan par cha ke paidawar ho raha aur shuru ho raha hai black tea ke sath jo cha hamni परंपरागत रूप से हमेशा से पीले आ रहे जा लेकिन समय के साथ इन लोग के भी एवोल्यूशन होल, परिवर्तन आल, इनोवेशन होल और आज वाशेगी ब्लैक टी के संगे संगे ग्रीन टी लाचीजान के भी पैदावार करेला जेकर बहुत से फ़ायदा बा। सेहत खातिर कोनो बीमारी होई तो अलग अलग जो ग्रीन टी बा ओकर अलग अलग उपचार होवेला। आज़ाद जी ये भी बोलन कि ई टी एस्टेट में कारखाना और म्यूजियम के साथ साथ एगो रेस्टोरेंट भी बा जहाँ पर चाय के पत्ता के आधार पर कितने उलो के व्यंजन बनेला और ये रेस्टोरेंट सब कोई के मन पसंद है। Et aussi nous avons un restaurant Boischerie. Alors nous fait aussi nous ban plat au thé. Par exemple, nous avons poulet au thé vert, nous avons une satinidité, nous avons une satinidité coco, mais à Boischerie nous avons satinidité aussi. आज़ाद जी हमने के ई बोला कि जब एगो चाय के पैदावार शुरू होवेला ई कारखाना में तो ई एगो लंबा प्रक्रिया एगो लंबा प्रोसेजिया है। तो ई प्रोसेजिया कैसे चलेला यहाँ के लिजिन में सब कोई जाने खातिर बहुत लोग में कुतूहलता बा, क्यूरियोसिटी बा कि कैसे ई जो चाय हमने के टेबल तक आवेला एकर पैदावार शुरू होवेला कैसे एकर बारे में हमने के बोला। Alors normalement nous dans la cueillette le matin et par contre nous casse fait là ce matin nous va pour café dit tout de suite avec. Azad ji bolat hawan ki jab chai ke patta tur develanja ta deswit nahi saki u karkhana aave chahi karkhana chalai ha lekin okar jan prakriya ba chahi kam se kam 24 ghantao ke rakhe ke phir bihan ओके थोड़ा सुखयन जा कम से कम 30% और फिर ओकर बाद फर्मेंटेशन के कार्य शुरू होवेला।
Alors maintenant, quand nous bouquons un spé, il n'est pas pour sortir d'idée. Même si APA a une fait d'idée, il n'est pas pour sortir d'idée. Alors, nous crasons, après nous décidons, un tapis pendant un an et demi, qu'il y a une fermentation. Alors maintenant, une fois que c'est sa fermentation là, qui pousse en se couler. Azad hamni ke bolat hawan ki jab fermentation hovela, to u kam se kam ek ghanta aadha lagela. Aur ee fermentation ke prakriya bahut zaruri hai, kahe ki ekar baad hi cha ke jon swad ba u ubhar ke samne avela. Nahi ta ee jon patta ba u kancha lagi. Aur fir jab fermentation ho gal ek ghanta aadha baad, tab kam se kam 10 minute khatir, okay. Où me dalal jai oke pakave khatir ela ki nu gae nu take manu kune du thé noir jab I cha ke ab okar roop deval jai upak gal ta u cha ki tarah hi tohar samne aai lekin okar me thora bahut thora ghasin nikhar thora fib nikhar nazar aai kahe ki jab I cha ke tural jala ta okar sange sange patta ke sange jon ego haddi ha u bhi chala vela aur ekar fib okar me ego badha ki tarah samne aavela. Alors, tout ça nous grandit en même temps. Là, nous dans la salle, nous pouvons une machine avec un rouleau noir. Tab, la salle me bhejal jala, jahan par ego rouleau plastique rehela, kala rang ke. I ego lema ke kaam karela, jahan par I sab fiber jon ba, oke absorbe kar levela, aur fir cha ke jon patta ba, u bahut saaf tarika se chhana jala, aur sab fib ek bagal nikal ke chala vela. Alors c'est ça qui peut tirer sa bande fibre là, dans l'idée là, que nous voulons une idée bien propre à la fin. Alors, donc là, à la fin, nous voulons une propre, et là, nous ne sommes pas capables de consommer tout de suite. Azad Bolathawan, qui, jab il cha, chanagal, saf hogal, tab bhi aap ne sakba eke turante piye. Kahe ki, ab eke chahi, kam se kam 3 mahina, एगो बात एमिचिक में बंद करके रखे या टाइट डिब्बा में और ये 3 महीना बाद उचा के ओकर सही स्वाद ओकर सही सुगंध सामने आए और फिर मॉरिशस में हमने जानी राजा कि बॉशेरी हमेशा से बॉशेरी वानी के रूप में हमने के सामने आवेला और 3 महीना बाद ये जोन वानिला के ओकर सुगंध और स्वाद है ओकर में डाल जला और तब जाके ई चा सकबा आप पिए के शुरू करें एन फॉर कि नु फिल मेट ला वानी दान दिसे ला लिन प्रे पुर ले पाके ए ले साशे अलो ला सेन ला गेट पैकिंग अलो नु ना नु फे दिसे रन फ्रॉक कमा नु दिया दिसे ला पाई दिसे कमा नु सर्वी ला काज ए नु फे सी मेंटेन टी बैग्स हैं दिसे ऑन साशे जब चा एकदम तैयार होगल तब ओकर पैकेजिंग होवेला और जब पैकेजिंग होवेला तो अलग अलग पैकेजिंग भी बा कहे कि अब खाली ब्लैक टी नहीं बनेला हियाँ ग्रीन टी भी बा और लाचिजान भी बा ई ग्रीन टी के विशेषता ई है कि एकर से कितने बीमारी के उपचार होवेला स्वास्थ्य खातिर ई अच्छा है अब कौन वजह से ई बेहतर है ब्लैक टी के तुलना में कहे कि ब्लैक टी की तैयारी जब होवेला तो एगो फर्मेंटेशन से उ गुजरेला और ई जोन फर्मेंटेशन के प्रक्रिया बा ई ग्रीन टी पर नहीं होवेला मतलब कि ग्रीन टी खाली वापेय और फिर फू में जाला जेकर से ओकर जितना भी प्रॉपर्टीज जितना भी अच्छाई बा उ बरकरार रहेला Mais par contre, pour du thé noir, il y a la fermentation pour aussi un antioxydant. Alors, là, nous avons du thé noir, thé vert. Maintenant, nous retournons un peu, nous y a l'artisan grand-mère. Green tea, quand on parle de la thé vert, c'est la première fois citronnelle. Citronnelle, Jason, कितने ऐसन औषधि बा जेकर से आज चा बनता ये सब ऐसन औषधि है जोन हमने के दादी लोग हमेशा से घर में इस्तेमाल कर ले आल हवंजा और आज वाशेरी के बदौलत ये सब उपचार हमने के अपन मेज पर अपन टेबल पर मिला था सिट्रोनेल के बात करत है लीजा एकर जोन ट्रीटमेंट होवेला यहाँ पर खाली ओकर में कोनो चाय नहीं रहेला खाली सिट्रोनेल ही रहेला ये सिट्रोनेल के पत्ता के सुखावल जाला फू में डालल जाला फिर ओकर पैकेजिंग होवेला और फिर एकर अलावा एगो दूसरा सिट्रोनेल के चा भी बा जहाँ पर छोटा छोटा अदरक के
ओकर टुकड़ा डाल के इस सिथ्रोनेल संगे ओकर पैकेजिंग करल जाला। सिथ्रोनेल के मतलब अग्यखर, जोन हमनी के नानी दादी लोग हमेशा से घर पर इस्तेमाल कर ले हवन जा। जब भी हमनी के खांसी जुकाम होवेला तब पहला जोन औषधि के इस्तेमाल होवत रहल आगे के समय में वह सिथ्रोनेल और अदरक, जोन आज बोशेरी एगो पूरा पैकेजिंग के संगे आपके सामने प्रस्तुत करता। Alors, la nuit de Gosanchipé, dité, l'artisane. Et à Boisgéry, je peux découvrir aussi les biscuits au thé. अभी हमी चा और औषधीय ग्रीन टी पर बताई लीजा। यहाँ वाशरी में बिस्कुट ओते भी बा, चा से बनल बिस्किट जोन अब आप सकबा चा संगे खाई। अब हमी के व्यंजन भी बा चा से बनल, चा के चटनी, पुले ओते वगैरह वगैरह। यहाँ आके आप सकबा जा चिखे। Alors nous passons boire du thé, nous mangeons aussi du thé. Alors à Boisgéry, je peux découvrir satiné du thé, comment nous dire. Et si nous avons un plat au thé, nous avons un poulet au thé vert et typique, nous avons aussi poulet à la vanille. Et moi, je vais déguster un chou. Boisgéry, chai par agla virasat jari rahi avat budh ke. Dhyan se virasat program ke dekhla, bahut dhanyavad, agya da, namaste.